हेलो, सो कैसे हैं आप लोग। वीडियो के अंदर आज हम बताने वाले हैं मीटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो बारी बारी लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। ये मेटल और रॉक के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और अगर एरिया की बात करें ना, तो एस्टेरॉइड मार्स और जुपिटर तक की जो लाइन है ना, मतलब सन से लेके जो पूरी लाइन है, जैसे आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर कि सन से मार्स और जुपिटर तक की जो एरिया है ना, इसी एरिया के अंदर ही अंदर आपको एस्टेरॉइड्स मिलेंगे। इस एरिया में ही क्यों मिलेंगे, वो अभी आपको मैं आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि एस्टेरॉइड इसी एरिया में क्यों पाए जाते हैं। अगर साइज की बात करें तो एस्टेरॉइड 1 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक का हो सकता है। सो बेसिक आप समझ गए होंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो बने होते हैं किसके, मेटल्स के और रॉक्स के, और साथ में इनका जो साइज होता है वो छोटे से लेके बहुत बड़ा हो सकता है। और बेसिक तक ये जुपिटर तक की जो बेल्ट होती है वहाँ पे ही पाया जाता है। एस्टेरॉइड बेल्ट जो होती है सन से लेके जुपिटर तक की, उसी जगह पे पाया जाता है। अब बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स जो होते हैं वो डर्टी स्नोबॉल्स होते हैं, मतलब ये जो इसकी फॉर्मेशन होती है वो आइस और डस्ट के साथ में होती है। इसको बनाने के लिए जो डस्ट यूज हुई है वो तभी की डस्ट है जब हमारा स्पेस बना था 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। वैसे जो कॉमेट्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं क्योंकि आइस से बने हुए होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एस्टेरॉयड के अंदर बताया था कि एस्टेरॉयड जो है वो मार्स तक, मतलब सन से लेके मार्स तक पाए जाते हैं, वहीं जो कॉमेट्स होते हैं वो नेपच्यून के बाद वाले एरिया में, मतलब सन से और दूर, नेपच्यून से भी बाहर, क्योंकि आइस है। आपको भी पता है कि आइस जो है वो सन के पास में अगर आएगी तो मेल्ट हो जाएंगी, तो इसीलिए मोस्टली जो कॉमेट्स हैं वो आपको नेपच्यून या फिर अपने जो सोलर सिस्टम है उसके आगे से मिलते हैं। अगर साइज की बात करें तो कॉमेट जो होता है वो 1 किलोमीटर से लेकर लगभग 10 किलोमीटर, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। जब भी ये कभी अगर एंटर करता है या फिर सूरज के पास में आता है ना, सन के पास में आता है, तो कॉमेट की जो आइस है वो तो पिघल जाती है, और जो डस्ट है ना वो एक तरह से आपको एक शाइनिंग लाइट लगती है, एक टेल लाइट हो जाती है। जैसे आप इमेज देख पा रहे हैं ना, दोनों इमेजेस को आप देखिए, एस्टेरॉयड और जो कॉमेट की इमेज है, दोनों में कितना डिफरेंस है। एस्टेरॉयड एक नॉर्मल रॉक सा लग रहा है, वहीं जो कॉमेट है वो एक अलग लग रहा है क्योंकि इसकी आइस जो है वो सन के पास आके मेल्ट हो गई है, और जो डस्ट होती है वो इस तरह का एक शाइनिंग टेल लाइट जो है वो बनाती है। इस टेल लाइट जो है इसको टेल एटमोस्फेयर या फिर कोमा भी बोलते हैं। वहीं जो एस्टेरॉयड होते हैं उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर वो सूरज के पास में रहते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत जो गैसेस हैं, मतलब थोड़े बहुत जो मेटल्स हैं वो मेल्ट जरूर हो जाते हैं, बट उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कॉमेट को पड़ता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कॉमेट में। कॉमेट जो है वो आइस से बना हुआ होता है, वहीं ये जो है वो मेटल और रॉक से बना हुआ होता है। अब बात करते हैं कि मीटियोराइट्स क्या होते हैं। सो ये उन दोनों में सबसे ज़्यादा फेमस है। हम लोग इसको आम भाषा में टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। मीटियोराइट्स क्या होते हैं, जो अभी हमको मैंने एस्टेरॉयड बताए थे ना, जो रॉक फॉर्मेशन, मतलब पूरी एक रॉक जैसी होती है, इसी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन्हीं को मीटियोराइट्स बोलते हैं। अब मीटियोराइड से निकल के तीन टर्म आते हैं यहाँ पर, एक मीटियोराइड्स, एक होता है मीटियोर्स और एक होता है मीटियोराइट्स। ये तीन टर्म है। अब तीनों को मैं आपको बता रहा हूँ कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। मीटियोराइड्स आपके जो एस्टेरॉयड बताए थे, रॉक फॉर्मेशन जो बताई थी, उसके टुकड़े होते हैं, इनको बोलते हैं मीटियोराइड्स। अब यही मीटियोराइड्स जब कभी टकराकर या ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारे एनवायरनमेंट में एंटर होते हैं, अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं मीटियोर्स। और मीटियोर्स आपने देखे हैं वो किस तरह से टूटते हुए तारे लगते हैं। और जब भी वो मीटियोर्स जो हैं वो हमारी सरफेस तक टकराते हैं, हम उसको मीटियोराइट्स बोलते हैं। सो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। एस्टेरॉयड जो होते हैं वो रॉक फॉर्मेशन होती है, और जो मेटल और रॉक से बने हुए होते हैं। कॉमेट क्या होते हैं, आइस और कुछ डस्ट से बने हुए होते हैं। तो कॉमेट ज़्यादा हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट से होते हैं। एस्टेरॉयड जो होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, आसानी से तबाह नहीं होते, लेकिन जब भी वो टूटते हैं, एस्टेरॉयड जब भी टूटते हैं तो वो छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे रॉक्स में हो जाते हैं, उनको हम मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। मीटियोरॉइड्स में भी जो तीन टर्मिनोलॉजी मैंने बताई आपको, मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स, ये तीन होती है। तो मीटियोराइट्स तो चलो ठीक है, जो भी अर्थ से भिड़ने के बाद में अगर कुछ बचता है, वैसे तो बहुत कम बचता है, पर बचता है उसको मीटियोराइट्स बोलते हैं। पर मीटियोर्स, टूटता हुआ तारा, इसके बारे में सब जानते हैं बट ये नहीं जानते कि कहाँ से वो टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हुई है। सो ये मैंने आपको तीन डिफरेंसेस बताए हैं बेसिक। अगर मैं साइज की बात करूं कि जो मीटियोरॉइड्स होते हैं इनके साइज क्या होता है, तो एक छोटे से मिट्टी के कण से लेके इसका साइज जो है वो 1 मीटर चौड़ा, इतना आपका अगर ये जो है, तो इसको हम मीटियोरॉइड्स बोलेंगे। सो तीनों का डिफरेंस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।